नमस्कार, हेलो, आदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल और सुपर 30 लीग चैंपियनशिप के ग्रुप ए के राउंड 5 के आखिरी मैच में आपका स्वागत है। साथ ही साथ ये ग्रुप ए का भी आखिरी मैच है और आज हमें हमारे टॉप 4 मिल जाएंगे। पर्थ और ढाका आज की टीम। टॉस पे बढ़ने से पहले अगर नजर करें रैंकिंग के ऊपर तो पर्थ का रैंकिंग यहाँ पर नंबर 2 पे क्वालिफाई कर चुकी है ऑलरेडी। ढाका अगर ये मैच हारती है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, तो एक मस्ट विन मैच में खेल रहा है ढाका सिनेरियो में, और हम बने हैं यहाँ पे ढाका। और टॉस हार फिर, लेकिन पर्थ ने जीत लिया है, बैटिंग खुद ली है, मतलब रन चेज होगा जो कि हमारे लिए एक अच्छी कंडीशन रहती है। अब देखते हैं इसका फ़ायदा उठा पाते हैं या नहीं ढाका के खिलाड़ी। शुरुआत लिविंगस्टोन और इंग्लिश करेंगे पर्थ के लिए। रहमान पहली गेंद, काफ़ी बैलेंस फील्डिंग सेटअप है। गेंदें अभी हमें आइडिया है नहीं किस तरह से रिएक्ट करेंगे, लेकिन पहली गेंद काफ़ी नीचे रह गई ऐसा लगा। खाता खुला है पर्थ का, एक रन। इंग्लिश इस वक्त सामना करते हुए स्ट्रेट शॉट्स है। सामने ग्राउंड बड़ा है क्या ऐसा लग रहा है, अब कैच देखना होगा। रनिंग तो कर ही रहे हैं फुल स्पीड से वो भी, अरे चलेगा अंदर, अरे नहीं, शायद छोड़ देते तो बेहतर होता। 6 लग गया यहाँ पर। जी हाँ, बल्लेबाज भी सेफ है और 6 भी ऐड होगा स्कोर कार्ड में। कंटिन्यू कर रहे हैं सेम साइड ओवर द विकेट अपील, लेकिन फायदा कुछ भी नहीं क्योंकि लेफ्ट साइड गिरी है पिच। नॉट आउट। गेंद तेज रखना चाहते हैं, ये शॉट 6 दे के जाएगा। 14 रन का है पहला ओवर। कोबेल हुसैन राइट आर्म फास्ट, सेकेंड ओवर के लिए आते हुए। इंग्लिश जिन्होंने बनाए थे 7, पहली गेंद आउट। प्लम 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 आउट 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 आउट। सीधा मिडल पे पकड़ा है, टॉस खेलने का नुकसान यहाँ पर। डीआरएस के लिए कुछ देर बात की, उसके बाद नहीं लिया और मैं मानता हूँ सही फैसला था इनका। वन डाउन आ रहे हैं कैमरॉन बैनक्रॉफ्ट। नजर करें अगर बिगाई पे, अगर डीआरएस लेते तो क्या डिसीजन होता। एग्जैक्ट मिडल, पूरा मिडल, आउट होते आउट होते आउट होते डीआरएस बिगड़ता। बैनक्रॉफ्ट शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, किसी एक खास इंसिडेंट में इनका नाम उछला था, उछला नहीं था सही ढंग से था। और अभी के लिए 6 से शुरुआत उनकी, एक बेहतरीन शुरुआत। टीम को भी फायदा, इनको भी फायदा। मैं नहीं चाहूँगा सामने खेलें, लेकिन ये बात आपकी हर बार सुनेंगे नहीं वो। इस बार ऑफ साइड बाउंसर की कोशिश, फिर से फ्लैट शॉट, इस बार बहुत क्विक होगा, बहुत क्विक होगा। अरे बाप रे, कर लें, अरे मिस किया है क्यों, लेकिन महंगा होगा। शाकिब आए हैं, काफी कुछ डिपेंड करेगा, मस्ट विन मैच है यहाँ पे ढाका के लिए। इस बार साइड चेंज नहीं की है और फायदा दे दिया एक्चुअली। बल्लेबाज का शॉट सिलेक्शन गलत था, वरना यहाँ से 6 लग जाता। साइड चेंज करेंगे हम लोग, भले विकेट मिला है, बाउंस मिला था गेंद को एक्स्ट्रा, और यही रीज़न बना है कि यहाँ पर विकेट भी मिला है। शॉट तो ठीक ठाक ही है, शॉट सिलेक्शन ही गलत था, तो नॉर्मल क्रिकेट खेलना था। कैमरॉन बैनक्रॉफ्ट 6 में 16 करके आउट हुए। नए खिलाड़ी मिच मार्श कप्तान, आउट ऑफ फॉर्म, 2 में 9 रन से। पहला काम साइड चेंज, सामने कहा था। और ये गेम का बग आया है, दीवाल आ गई लेफ्ट साइड में। यही WCC3 में ही बग है, सेम बग दोनों में। ये बहुत अजीब सा है कि WCC और क्रिकेट 19 दोनों में सेम बग। ये गेंद तो निकाल लिया चीन के सामने, लेकिन सीधे शॉट, फील्डर है लेकिन शायद 6 जाएगा। इसीलिए कोई ऑप्शन नहीं आया। स्ट्रेट शॉट तो हमेशा से हमारी कमजोरी रहा है, क्योंकि फील्डर्स की रीच हमेशा दूर रही है गेंद को कैरी करने से, और इस बार तो पावरफुल था। 6 रन कप्तान का। सरप्राइज करना चाहते हैं तो दूसरा के साथ, लेकिन हाथ फिलहाल खुद होंगे सरप्राइज, क्योंकि इसे पढ़ लिया था, जच लिया था। और 6 के लिए सुनील नारायण यहाँ भी हैं। कब उठाएंगे पक्का। ये दोनों गेंदें सेम थी, तीसरी भी हमने वही रखी है और बीट हुए हैं किस्मत की बदौलत। फिर से वही गेंद, फिर से वही गेंद, और इस बार तो अरे रे 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 रे, कहाँ घूम रहा है, चिमरकी घुमा रहा है हमारी। इस गेंद पे तो वक्त ही बहुत कम मिला, बहुत ही कम वक्त। देखिए कीपर जब तक ध्यान गया ऊपर देखें तब तक तो छूट गई थी गेंद। दूसरा काम कर गया है, और काम कर गया है, जबरदस्त काम कर गया, जबरदस्त काम कर गया, विकेट भी मिला है। 4 नहीं 5 गेंदे डॉट, ऊपर से एक विकेट भी। नारायण कप उठाए, कप्तान गए पवेलियन, कप्तान गए पवेलियन। 3 विकेट हो चुका है यहाँ पर, और ढाका का ये ओवर इन्हें वापसी कराएगा। इसमें मैं माफी चाहूंगा, लियाम लिविंगस्टोन आउट हुए हैं, कप्तान अभी हैं नॉन स्ट्राइक रन। 4th विकेट के रूप में कैमरॉन ग्रीन आएंगे यहाँ पर। फाइनल ओवर आंद्रे रसल, इनको एक भी ओवर नहीं मिला अभी। थोड़ा सा कवर पे ना, अरे कहाँ लेग जा रही है गेंद, मैं ऑफसाइड कर रहा था पूरी तरह से। 6 लगा दिया ग्रीन ने। कितने रन आएंगे 5 गेंदों में, बहुत इंपॉर्टेंट। ये फ्लैट शॉट रहा है,
30 यार्ड के बाहर गिरा था, चार मिल गए। इस तरह के शॉट जनरली कैच भी हो सकते थे, छह भी जा सकता था अगर परफेक्ट खेलते तो, लेकिन परफेक्ट था नहीं इसलिए उम्मीद थी आउट होने की। गुड लेंथ पिट चुकी है, यॉर्कर के साथ बढ़ेंगे आउट। एक और विकेट, चौथा विकेट आउट यहाँ पे। अगर दो गेंदों में दो ले लेते हैं तो यहीं पे समाप्त हो जाएगी इनिंग, तीन गेंद खेलने की बात ही नहीं होगी। और जो हम चाहते थे हुआ है, विकेट मिला है। अब देखते हैं बाकी तीन गेंदों में कितने बनाते। लास्ट विकेट, एस्टन टर्नर पहली बार बैटिंग कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, मैं विकेट की ही कोशिश करना चाहता हूँ, लेकिन अभी के लिए टर्नर चौका लगा चुके हैं। प्रियोरकर नहीं, एज लेकिन शॉर्ट थर्डमैन मौजूद, डॉट, चौका, छक्का, विकेट क्या होगा? छक्का, 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 64 के पार स्कोर, 65 का चेंज मिला है करने के लिए ढाका को आसान। और ये है स्कोर पर का चौथा ओवर, अगर अच्छा चला गया होता तो पता नहीं कितने रन बना लेती, तो सुनील नारायण को क्रेडिट जाएगा, वरना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल चेज मिलता। 64 चेज किया जा चुका है, चेज किया जा सकता है इस मैदान पे। गेंदबाजी में सबसे काबिल नारायण, उसके बाद सबको पीड़ा है, तो इग्नोर करेंगे हम लोग, बढ़ेंगे अब रनचेज की तरफ। 65 का पीछा करने, मस्ट विन, जीतता है क्वालिफाई करेगा, हारता है सफर पूरा ढाका का। हजतुल्ला जजई और सुनील नारायण यहाँ पे फिर आ गए शुरुआत करने के लिए, अच्छी शुरुआत की उम्मीद होगी। मैथ्यू केली गेंदबाजी में 2 मैच 2 विकेट, अच्छा फॉर्म खिलाएंगे। बल्लेबाज के लेग साइड से आ रहे हैं, लेकिन गेंद ऑफ साइड में दी है, बीट जजई अभी के लिए। इसे सेम गेंद, शॉट लेकिन शानदार है, अच्छे लेके जाएगा, सोचा नहीं था खाता खुलेगा सीधा 6 के साथ। तो जजई ने यहाँ पर पहली गेंद पर पहला शॉट पर अच्छा ले लिया। अगली गेंद सेम यॉर्कर लैंड, लेकिन इस बार 2 में कन्वर्ट करेंगे, सामने है थोड़ा रिस्की हो सकता है, लेकिन रनिंग क्विक रखनी होगी, डायरेक्ट से भी बचना होगा, सीधी बात लगी नहीं है, सेफ है, 2 रन निकाल लिए। एक और गेंद, इस बार बहुत दूर रखी है, खुद गए हैं फ्रंट फुट पे जजई, स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गेंद को, 4 रन। कप्तान कहाँ रखेंगे फील्डर, अब कैली अगर साइड चेंज करें तो कुछ चांस है, वरना तो नहीं है, बड़ा शॉट लग नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली, खेला तो हिट ही था बड़ा। बदलाव लेकिन कुछ खास इफेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि गैप में बड़ा शॉट लग रहा है और 6 लगा दिया इस ओवर में, आखिरी गेंद भी सुनील नारायण का छक्का ये। सेकेंड ओवर जाए रिचर्डसन राइट आर्म फास्ट, पर्थ गलती के मूड में लग रहा है, पर क्यों रन आउट नहीं हुए, ध्यान था ही नहीं, यहाँ नजदीक भी फील्डर है। एक गेंद खेली, उस पर लगाया छक्का, दूसरी गेंद पे बीट, वाइड तो नहीं होगी, नहीं होगी, वार्निंग मिलेगी सभी। और नारायण तैयार, फिर से स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहते थे, मिस किया गेंद, 3-6 और ये 4 में पहुंच जाएंगे अब 10 पर सीधा। एक तो पैरों पे आप दे रहे हो, ऊपर से डायरेक्ट गेंद दे रहे हो, खुद ही इनवाइट कर रहे हो बल्लेबाज को कि बड़े शॉट लगाए, और फील्डिंग का भी कुछ गाना नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि पर चाहता है कि लेस्टर शायर, अरे ये कहाँ, मैं बैक फुट दब गई बटन, कहाँ गया स्टंप उड़ के ऊपर के भी पीछे तक, कोई गलती होने लगी है 2 दिन से, मेरा बटन वो जो है सिलेक्शन का गलत बन जाता है। नील नारायण को भुगतना पड़ा है हमारी गलती के कारण, 5 बना के 10 बना खड़ा हूँ। 1 डाउन शाकिब आए हैं, 33 मैच खेले हैं, 305 गेंदे 5, ये ओवर तो बढ़िया लग रहा है, और लग नहीं रहा था कि हमने इतना खराब खेला इस ओवर में, लेकिन 6 से वापसी की है। फवाद अहमद 5 मैच 6 विकेट टेकर भी हैं, रन रेट आप समझ सकते हैं कि 12 है समझ लें। कहाँ क्या हुआ है, एज बॉटम है, जाइए जहाँ ग्रिप लगती है बल्ले के नीचे, उसके लकड़े को बचाने के लिए बैठ के, काफ़ी अजीब सा, यहाँ क्या हुआ एक्चुअली समझ में नहीं आया, जो मैंने कहा वो भी मैं श्योर नहीं हूँ। आउट दिया एम्पायर ने, अरे मैंने स्किप कर दिया पार्ट, हजतुल्ला जजई यहाँ पे साथ में 14 बना के आउट। यान बेल आएंगे, 16 मैचों में सिर्फ 22 रन, एक एक ही बार अहमद ने पहला विकेट ले लिया है, लेकिन अब भाई बड़े शॉट मत लो, अब कैच ड्रॉप होता है तो ही लेना, वाह, एक समय मुझे लग रहा था कि एफर्ट कम दे रहा है पर्थ, लेकिन इस कैच के बाद सारे डाउट खत्म हो गए हैं, जीतना चाहता है पर्थ ये मैच, क्या ऊंचा गया था ये गेंद, एक समय ऐसा लगा कि इजी कैच होगा, लेकिन जब नज़र जाती है फील्डर की तरफ तो आप देख रहे हो वो बहुत दूर है, फिर जो डाइविंग एफर्ट लगाया यहाँ पर बैनक्रॉफ्ट ने, बेस्ट कैच, यान बेल को गोल्डन डक को भेजा है वापस। किरण पोलार्ड है तो बिग हिटर, लेकिन थोड़ा संभल के खेलना होगा। लेग साइड ओपन, इन्विटेशन गेंदबाज का एक तरीके का कह सकते हो, अब 2 मैं ले रहा हूँ पर श्योर नहीं हूँ, श्योर नहीं हूँ, ऐसे हालत आ गई अभी। साइड पर डेफिनेटली बड़ा शॉट लेना चाहता हूँ, और फ्लैट खेला है, 4 निकाला है, चलिए कुछ तो रन बने,
नहीं तो ये ओवर अभी तक बहुत खराब जा रहा था हमारे लिए। शाकिब के बल्ले से चौक, सबसे इंपॉर्टेंट ओवर मेरे गेम का, चौथा ओवर क्रिस जॉर्डन के पास। साइड ओपन तो दिख रहा है, शॉट ले पाएंगे उस तरफ। चलिए पहला तो ले लिया, चार 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 चार, शुरुआत अच्छी इस ओवर की। ओवर द विकेट क्यों आ रहे हैं ये समझ में मेरे नहीं आ रहा। जो भी है, फायदा तो हमको हो रहा है, ढाका को हो रहा है, प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्यों आ रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। लगातार लगाए जा रहे हैं बड़े शॉट, शकीब और सेम गेंदे दे रहे हैं उनको। रन रेट 12 का और इस बार भी चार तो कंफर्म है, चार तो कंफर्म है, रन रेट 12 के नीचे। जी हैट्रिक लगा दिए यहाँ पर चौकों की शाकिब ने, तो मैच में वापसी करता हुआ ढाका कप्तान। मैंने पहले ही कहा था चौथा ओवर सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको संभाल लो तो पांचवा संभल जाएगा। साइड में कोई चेंज नहीं और हमने अभी के लिए मिस किया है शॉट, कोई बात नहीं, बचे हैं तो खुश हैं। 8 में 15, 6 लगना चाहिए। अरे ऑफ साइड चली गई गेंद, गलत शॉट, कहीं और खेलना था, पहले सिंगल आता। लैग करेंगे और कंफ्यूजन है, और एज लगी है और ऊपर से 9 बॉल चली गई है। पर्थ यहाँ पर गंवाता हुआ मौका, 9 बॉल चली गई, फ्रीट भी मिलेगा और एक रन तो दिया ही एक्स्ट्रा है और एक गेंद भी। नहीं, गलतियों से यहाँ पर नहीं समझा, पर नहीं संभला, नहीं समझा, दे दिया एक और चौका और शाकिब को भी जाएगा क्रेडिट यहाँ पर वापस लाने के लिए ढाका को। फाइनल ओवर कैमरॉन ग्रीन ऑलमोस्ट फिनिश करने के करीब है ढाका, एक अच्छा काम किया, साइड बढ़िया है लेकिन अब पॉलार्ड हिट करेंगे, उनके लिए तो यही मौका था, यही तो चाहते थे मौके उनके। मीडियम पेसर था, थोड़ा सा डर था मुझे, लेकिन जब शॉट खेला तो कॉन्फिडेंस आ गया। 3 रन करने हैं, ग्राउंड से भी कर लेंगे हम लोग एक शॉट, लेकिन जरूर लेंगे, हिट करने की कोशिश करेंगे। 5 गेंदे 3 रन, ग्राउंड शॉट, मैच समाप्त। 2 गेंदों में खत्म कर दिया 9 का टारगेट और ढाका क्वालिफाई कर रहा है। बहुत बहुत बधाई भाई सारे BPL के फैंस को, ढाका के फैंस को। एक अच्छी बात ये हुई है, अच्छी बात कहो आप, खराब बात कहो, लेकिन ग्रुप ए में से लेस्टर शायर बाहर हो जाएगा, साथ ही साथ इस्लामाबाद बाहर हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि ग्रुप ए और बी में से दोनों BPL की टीमें क्वालिफाई कर गई हैं। मैं बहुत ही जल्द एक वीडियो बनाऊंगा जहां पे आपको मैं दिखाऊंगा कौन कौन क्वालिफाई कर रहा है, या फिर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करेंगे हम लोग। अभी के लिए हमारा वीडियो में मैं ले रहा हूँ आपसे विदा। शाकिब बने मैं तो मैं डिजर्व करते हैं, और अब नॉकआउट राउंड में भी बड़ा रोल होगा शाकिब का, बैटिंग बॉलिंग दोनों मिलती है इनको, और हर टीम में ऐसे प्लेयर बहुत कम है जिनको बैटिंग बॉलिंग दोनों करने का मौका मिले। जो भी है, जैसा भी है, अभी के लिए लेना होगा विदा। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना सपोर्ट प्यार हमारे वीडियोज़ और चैनल पर देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।